अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ आसिया, इस्लाम विद आसिया चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। मे तमाम प्यारे व्यूवर्स कैसे हैं? आई होप आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत आफियत से होंगे। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को, मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो शुगर के मरीज़ हैं और शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो ये ख़ास वजीफ़ा लेकर उनकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तो आइए आज के इस वजीफ़े का आगाज़ करते हैं। और इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आज जिस वजीफ़े की बात कर रही हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद किया है और अल्लाह के फजल से मैंने शिफा पाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अर्सा पहले मैं खुद शुगर के मर्ज़ में मुबतला हो चुकी थी, यहाँ तक कि मेरा चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था और मैं बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप इंसुलिन लगवाना स्टार्ट कर दें तो इस तरह आपका गुजारा हो जाएगा। तो मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पाक कुछ ऐसा सबब लगा दे कि ये मर्ज़ जो है मुझसे दूर चला जाए और मैं सहयाब हो जाऊँ। तो बस अचानक किसी ने मुझे ये बताया कि ये कुरान की एक आयत पढ़ा करो, रोज़ाना पढ़नी है और पानी पे दम करके इसको रोज़ाना पानी पी लिया करो। तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह पे भरोसा रखकर, बेशक क्योंकि कुरान में शिफा है तो कोई और तो चीज़ नहीं थी जिस पे मैं यकीन करती या ना करती, लेकिन ये कुरान की आयत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान का यकीन है और पुख्ता ईमान है कि कुरान में शिफा है। तो मैंने ये आयत को पढ़ना शुरू किया और अल्लाह के फजल से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक माह के अंदर अंदर उस बीमारी से सहयाब हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही आयत मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि इससे किसी का भला हो जाए। अगर कोई शख्स शुगर के मर्ज में मुबतला है तो अल्लाह पाक उसको शिफाए कुली अता फरमाए। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई बात नहीं है कि मैं कहानी आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर ये सब कुछ सच बता रही हूँ, जो मेरे साथ कुछ हुआ था वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शिफा पाई थी। तो ये आयत जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों ने इसको बाकायदगी के साथ पढ़ना शुरू कर देना है और आपका ईमान होना चाहिए कि इंशाल्लाह इस शिफा में, इस आयत में अल्लाह ने शिफा रखी और ये मेरे लिए एक सबब बना है जो मैंने किसी से सुन लिया या फिर ले लिया। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफाए कुली अता फरमाएंगे। यकीन और ईमान के साथ आपने ये पढ़ना शुरू कर देना है, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से आपको अल्लाह पाक सेहत कुली अता फरमाएगा। तो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, पारा नंबर 15 में है और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, यानी कि 80 है। इसको आपने रोज़ाना, इसको आपने रोज़ाना 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है और पानी में दम करके इसको पी लें। सारा दिन पी लें थोड़ा थोड़ा करके, या फिर एक ही टाइम में सारा जो ग्लास अपने दम किया होगा उसको पी लें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। ये जो मैं पढ़ रही हूँ कि आयत नंबर 41 है और सूरतुल बनी है, इसराइल है, तो ये स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, इसको आप लिख लें और याद कर लें ताकि कोई गलती का इम्कान ना रहे। तो उसके बाद ये आयत जो है ये भी स्क्रीन पे आ रही होगी, आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो आप इसको चाहें तो कुरान एक दफ़ा देख लें कि ये कौन सी आयत है, किस पारा में है। तो आप इसको कुरान पाक खोल कर भी पढ़ें, याद करें और पानी पर दम कर पिए ताकि अल्लाह पाक आपको शिफाए कुली अता फरमाए। तो वो आयत ये है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिम अखरिजनी मुखरजा सिदकिम वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देती हूँ, मेरे साथ पढ़ लें ताकि आपको याद हो जाए। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिम अखरिजनी मुखरजा सिदकिम वजअली मिल्ला दुनका सुल्तान नसीरा।
ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ये जो शुगर का मरीज है, अगर वो कुरान पाक नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। उसके घर में कोई भी जो शख्स कुरान पाक पढ़ा है वो उसको पानी दम करके रोज़ाना दे दिया करे, तो वो पानी पी लिया करे मरीज, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से और वो शिफा याब होगा और जो पढ़ने वाला है उसको भी उसको अजर मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक किसी की भी नेकी जो है वो ज़ाया नहीं करता, बेशक बेशक। आई होप कि आज की ये वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो आगे भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।